नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। दोस्तों आज की ताज़ा और बड़ी खबरें, जी हाँ दोस्तों आज काफ़ी बड़ी बड़ी खबरें और काफ़ी बड़े ऐलान मोदी सरकार की तरफ से आप सभी के लिए निकल कर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे सभी खबरों के बारे में। मोदी सरकार ने काफ़ी बड़े ऐलान किए हैं, सभी को 3-3 लाख रुपये मिलेंगे। तो दोस्तों सभी खबरों के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, बस आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पर लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और आपका शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर जाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसी और खबरें मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अपडेट निकल कर आ रही है कि तथा करोड़ों जनधन खाता धारकों को अब मिलेगी ये सुविधा, सरकार ने किया है ऐलान। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी जनधन खाता है और आप सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, तो आपके लिए जनधन खाते में जो है 3 लाख रुपए की राशि सरकार देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तथा सरकार ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है, अब सभी के खाते में 3-3 लाख रुपए जो है सरकार देने वाली है, बिना कोई सिक्योरिटी के। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देनी होगी। और ये जो दोस्तों आपको 3 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, पूरे 1 साल के लिए दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 1 साल के बाद ये पैसा जो है आपको धीरे धीरे करके वापस करना होगा, और 1 साल तक आपको इन पैसों पर कोई भी ब्याज नहीं देना होगा, कोई भी सिक्योरिटी नहीं देनी होगी। दोस्तों सबसे बड़ी बात आपको मैं इसमें बताऊं तो ये किस लिए चालू की गई है, तथा इस ऐसी व्यवस्था जो है सरकार द्वारा क्यों की गई है, क्योंकि दोस्तों ऐसे कई छोटे दुकानदार होते हैं या अपने खुद का व्यापार करने वाले लोग होते हैं, फिर पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं, जो कि अपना जो है काम आगे चलाने के लिए जो है पैसों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन पैसे नहीं होने की वजह से उनका काम आगे नहीं पहुँच पाता और वो छोड़ देते हैं। तो बेरोजगारी ना घटे, इसलिए सरकार ने जो है सभी को 3-3 लाख रुपए देने की कोशिश कर रही है, ताकि उनका काम जो है आगे भी शुरू रहे। और इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अब आपको कभी भी किसी भी जनधन खाते से जो है आप अपना बिल्कुल निवास प्रमाण पत्र दिखाकर तुरंत अपने खाते से 3 लाख रुपए तक की सहायता ले सकते हैं, जो आपको 1 साल के बाद वापस करने होंगे। इसमें आपको किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं देनी होगी, किसी भी तरह का कोई ब्याज नहीं देना होगा। दोस्तों पहले हम जब लोन लेते थे तो हमें अपने जमीन के कागजात गिरवी रखने पड़ते, गहने जेवरात आदि गिरवी रखने पड़ते थे, लेकिन अब मोदी सरकार ने तथा इसे खत्म करते हुए लोगों को तथा आसान तरीके से तथा बिना सिक्योरिटी के और बिना तथा किसी ब्याज के लोन दे रही है। तो दोस्तों आप भी इसे अपने जनधन खाते से जाकर ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं आज की अगली बड़ी खबर, अपडेट क्या निकल कर आ रही है। तो बीजेपी और धोनी की हुई सीक्रेट मीटिंग तथा अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार। जी हाँ दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी को आज कौन नहीं जानता, एक ऐसा चेहरा जो शायद हर भारतीय के दिल में बसता है। और अब खबरें आ रही हैं कि दोस्तों अमित शाह ने धोनी के साथ एक मीटिंग की है और धोनी को बीजेपी में शामिल होने का प्रस्ताव जो है पेश किया है। साथ ही दोस्तों अगर बीजेपी को जो है बीजेपी का इरादा है कि अगर धोनी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उन्हें अध्यक्ष पद भी संभालने को लिए दिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अध्यक्ष पद के लिए भी उन्हें उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है, और अपने क्रिकेट करियर की तरह ही वो राजनीति को भी कामयाबी हासिल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने क्रिकेट करियर में तो बहुत कामयाबी हासिल की है, इसी तरीके से अगर वो राजनीति में भी कामयाबी हासिल करते हैं तो दोस्तों मोदी के बाद यानी मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो आने वाले बीजेपी की तरफ से मोदी प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में भी प्रबल दावेदार के रूप में माने जा रहे हैं, क्योंकि अगर धोनी जल्द ही बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। और दोस्तों एक ऐसे महान खिलाड़ी हैं धोनी, जो कि पूरे भारत को जो है हर टूर्नामेंट में अपनी विजय दिलाई है, भारत का खूब नाम रोशन किया है। दोस्तों भारत के जो फैन है वो दुनिया भर में फैले हुए हैं, भारत के अलावा भी। और दोस्तों क्या आप भी चाहते हो कि धोनी जो है बीजेपी में शामिल हो जाएं, और बीजेपी में शामिल होने की वजह से अगर आप खुश हैं तो वीडियो पर लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट की तरफ। तो मकान मालिक की दादागिरी खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने लाएगी बढ़िया काम। जी हाँ दोस्तों, मकान मालिक जो होते हैं वो अपने मन से कई बार किराया बढ़ा देते हैं, बिजली की रेट बढ़ा देते हैं, इसी प्रकार से कई चीज़ों के दाम जो बढ़ा देते हैं, जिससे कि किराए पर रहने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों आज के महंगाई के दौर में तथा घर घर चलाना काफ़ी मुश्किल और काफ़ी महंगा हो गया है, ऐसे में मकान मालिकों की दादागिरी ऊपर से और भी लोगों को सताती है। अब इस पर जो है तथा माननीय हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो एक नया कानून लेकर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मकान मालिक की जो किराए पर रखते हैं, जो अपने किराए देते हैं, वो 2 साल के लिए अब किराए पर दे सकेंगे, और उसके 2 साल तक वो किराया नहीं बढ़ा सकेंगे। इसी के साथ ही दोस्तों 2 साल तक उसे जो है मकान पर रखना होगा और बिजली का बिल भी वो नहीं बढ़ा सकते। इसी प्रकार से दोस्तों कई किराए मकान मालिकों को और किराएदार को दोनों को ही ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार जो है नए नियम बना रही है, ताकि मकान मालिक को भी ज्यादा घाटा नहीं हो, वहीं किराए पर रहने वाले को भी ज्यादा पैसे ना देने पड़े। तो दोनों को देखते हुए मोदी सरकार ने ये नया नियम जो है वो बनाने जा रही है। तो दोस्तों काफी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, अगर आप भी मकान किराए पर देते हैं या फिर आप किराए पर रहते हैं तो आप सभी के लिए नए नियम जो है जल्द लागू होंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि भारत की हार पर कश्मीर में फूटे पटाखे, मंत्री बीच बोले बंद कर दो तथा सब सुविधाएं तथा अकल ठिकाने आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, भारत की सेमीफाइनल में हार के बाद कश्मीर में पटाखे फोड़े गए हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा, मानो कश्मीर में दिवाली जैसा माहौल हो गया था, जिसके बाद में काफ़ी लोगों का वहाँ पर दोस्तों ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर जो है दिवाली लोग मना रहे हैं। लेकिन दोस्तों कश्मीर वासियों का तथा ऐसा रवैया और वहाँ पर पटाखे फोड़ने से तथा भारत के आम लोग जो हैं और भारत के काफ़ी लोग जो हैं काफ़ी सदमे में हैं और काफ़ी दुखी हैं, क्योंकि दोस्तों भारत का अभिन्न अंग माना जाता है कश्मीर, वो भी हमारे अंग
हैं वो भी भारतीय हैं, वो भी हमारे ही देश के हैं, फिर भी हमारा इतना भेदभाव देखते हुए सभी लोगों को दुख होता है। क्योंकि दोस्तों हम भारत उन्हें भी जो है हमारी सरकार जो है उन्हें भी मूलभूत सुविधाएँ देती है। 60 किलो वाले चावल जो है वो 4 रुपये किलो में देती है, दाल सस्ते में देती है, बिजली की यूनिट आधे दाम पर देती है। सब कुछ उन्हें देने के बाद भी अगर वो भारत के तथा भारत को जो है मिली हार के बाद, यानी भारत पूरा देश सदमे में है, लेकिन फिर भी कश्मीर में तथा खुशियाँ मनाई जा रही हैं, तो दोस्तों उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो भी भारत है, उन्हें भी भारत के दुख में दुखी होना चाहिए और खुश में खुशी होना चाहिए। दोस्तों आपको क्या लगता है, आप इन कश्मीर वासियों को तथा क्या सलाह देना चाहेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट की तरफ। तो सरकार अब किसानों को हर महीने देगी इतने हजार रुपए, जानिए कैसे। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना से पहले घोषणा की थी कि किसानों को 6000 रुपए जो है दिए जाएंगे सालाना। जी हाँ दोस्तों, किसान सम्मान निधि की योजना के तहत जो है सरकार सभी को 6000 रुपए देती है, जिसके अब बढ़ाकर मोदी सरकार ने 18000 रुपए कर दिया है। और एक और इसके बाद जो है मोदी सरकार ने अब एक और बड़ा फैसला ले लिया। अब जो है भी लोग हैं जो भी किसान जो है वो गरीब है, यानी काफी ज्यादा गरीब जो किसान है, उनके खाते में अलग से 1500 यानी 1500 रुपए हर महीने देगी। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने हाल ही में ऐलान किया है कि हर विकलांग को जो है, भारत सरकार ने हाल ही में ऐलान किया था कि हर विकलांग को जो है 2500 रुपए तो जो उनके अकाउंट में मोदी सरकार देगी। इसी तरीके से अब मोदी सरकार ने तथा एक बड़ा फैसला ले लिया है, अब किसान जो है हमारे जितने भी किसान भाई हैं जो बहुत ही गरीब वर्ग में आते हैं तथा उनके पास जो है राशन कार्ड है, तो उन लोगों को जो हर महीने 1500 रुपए की राशि जो उनके खाते में दी जाएगी। तो दोस्तों मोदी सरकार ने जो इतना बड़ा कदम उठाया, अगर आप भी इस कदम से खुश हैं तो वीडियो पर लाइक जरूर कीजिएगा। वहीं दोस्तों आज के लिए आपका सवाल, जी हाँ दोस्तों, हमारे चैनल पर एक गिव अवे चलाया जा रहा है जिसमें अगर आप भाग लेते हो तो आप जीत सकते हो एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। तो दोस्तों आज का जो आपके लिए सवाल है वो है, भारत के सबसे मेहनती और लोकप्रिय प्रधानमंत्री कौन है। जी हाँ दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर नरेंद्र मोदी। दोस्तों इनमें से आपको बताना है, फटाफट से आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि आप भी जीत सकते हैं हमारी टीम की तरफ से एक शानदार स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, 11 लक्की विजेताओं को आने वाले सोमवार को इसकी घोषणा की जाएगी और 11 लक्की विजेताओं को शानदार स्मार्टफोन दिए जाएंगे। तो फटाफट से आप अपना जवाब जो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट, कर्ज माफी से किसानों के चेहरे खिले। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने जो है वो काफ़ी बड़ा ऐलान करते हुए किसानों को कर्ज माफी का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे देश में जो है 3 राज्यों में चुनाव हुए थे तथा लोकसभा चुनाव से पहले, उनमें जो है तथा कांग्रेस को जो भारी मतों से जीत मिली थी और कांग्रेस के जो राहुल गांधी है उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो वे किसान कर्ज को माफ़ कर देंगे और काफ़ी किसानों का जो है कर्ज माफ़ करेंगे। लेकिन दोस्तों उनके वादे कभी पूरे नहीं हुए। 3 राज्यों में जो है कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन आज तक जो है वादे कभी भी पूरे नहीं हुए और वहाँ पर कांग्रेस की जो सरकार है और उसकी सरकार के तहत ही जो है आत्महत्याएं किसान कर रहे हैं। दोस्तों अब मोदी सरकार ने गुजरात के किसानों को बड़ा तोहफा दे दिया, 60,561 किसानों को जो है पूरे 5 लाख रुपए तक का कर्ज जो है माफ़ कर दिया। फिर लोगों को मोदी ने नारे लगाते हुए, जी हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी खुशी के बाद लोगों ने मोदी के नारे लगाते हुए कहा कि ऐसा प्रधानमंत्री हमें 200 सालों तक जीना चाहिए। और चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट क्या निकल कर आ रही है, 31 अगस्त के बाद रद्द हो जाएंगे 20 करोड़ पैन कार्ड, ये है कारण। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने 2017 में ही कहा था कि अगर आप अपना पैन कार्ड जो है अपडेट करा लीजिए, लेकिन बहुत से लोगों ने आज तक भी जो है अपना पैन कार्ड अपडेट नहीं करवाया। आपको बता दें कि अब उनका पैन कार्ड जो है रद्द होने वाला है, क्योंकि पूरे भारत में 20 करोड़ पैन कार्ड को मोदी सरकार रद्द करने वाली है। पैन कार्ड की जरूरत दोस्तों हमें हर काम में होती है, जैसे बैंक का कोई भी काम होता है तो हमें पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है, इनकम टैक्स का कोई भी काम होता है तो पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार से कई काम ऐसे होते हैं जो कि बिना पैन कार्ड के नहीं होते। अगर आपके पास भी पैन कार्ड नहीं है तो आप जल्द से जल्द अपना पैन कार्ड बनवा लीजिए, क्योंकि मोदी सरकार ने कई कामों के लिए जो पैन कार्ड की अनिवार्यता उसे बढ़ा दिया। अगर आपके पास भी पैन कार्ड नहीं है तो आप इसे तुरंत बनवा लीजिए, क्योंकि दोस्तों अभी तक जो है अगर आपके पास पैन कार्ड है और उसे आपने अभी तक अपडेट नहीं कराया, अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है, तो उसे जल्द से जल्द अपने आधार कार्ड से लिंक करवाकर अपडेट करवा लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में 20 करोड़ से ज़्यादा जो है पैन कार्ड मोदी सरकार बंद करने वाली है। तो दोस्तों आपका पैन कार्ड बंद ना हो और आपको बाद में परेशानी ना हो, इसीलिए आज ही अपने पैन कार्ड को जो है आप भी अपडेट करवा लीजिए। चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट निकल कर क्या आ रही है मोदी सरकार की तरफ। तो दोस्तों 21,000 रुपए की प्राइवेट नौकरी करने वालों को इस महीने से मिलेगा बढ़ी हुई सैलरी। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी प्राइवेट नौकरी करते हैं तो आपकी इनकम जो है वो 21,000 रुपये की सैलरी आपको मिलती है, तो इसके लिए आपके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी आ रही है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत कर्मचारियों के अंशदान में कमी कर दिया और ये फैसला 1 जुलाई 2019 से लागू हो गया, और इसी कमी के बाद जो कर्मचारियों के अगस्त माह से जो है ज़्यादा सैलरी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं तो अब आपको जो है बढ़ी हुई सैलरी जो है अगस्त के बाद मिलनी शुरू हो जाएगी, तथा मोदी सरकार ने फैसला लेते हुए बड़ी खुशखबरी प्राइवेट नौकरी करने वालों को भी दी है। चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट क्या
निकल कर आ रही है तो आईडी प्रूफ के तौर पर आधार का स्वैच्छिक होगा इस्तेमाल। एक्ट में संशोधन को संसद ने दिया मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, अब बैंक अकाउंट खुलवाने या फिर मोबाइल कनेक्शन हासिल करने के लिए आपको आधार कार्ड इस्तेमाल करने की स्वेच्छा होगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी मर्जी होगी कि आप आधार कार्ड को आईडी के तौर पर देना चाहते हैं फिर नहीं देना चाहते। आधार एक्ट में संशोधन को राज्यसभा में मंजूरी मिलने के बाद रास्ता साफ हो गया। आधार व अन्य कानून विधेयक 2019 लोकसभा में पिछले हफ्ते ही पास हो गई थी और यह विधेयक मार्च 2019 में लागू अध्यादेश की जगह ले लेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास सीधा सा मतलब इसका यह हो, कोई भी काम करते हैं दोस्तों, जैसे कि आपको सिम लेनी है या फिर बैंक अकाउंट खुलवाना है, तो आपकी मर्जी है कि आप आधार कार्ड को वहां पर देना चाहते हैं फिर नहीं देना चाहते, तो आपके पास कोई भी जो है आधार कार्ड की मांग नहीं कर सकता किसी भी जरूरी काम के लिए। तो दोस्तों आप ये ध्यान रखिएगा, आपको कोई जरूरी नहीं है अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं देना चाहते, तो काफी बड़ी खुशखबरी है। वहीं दोस्तों बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। दोस्तों ये थी आज दिन भर की महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी और जानकारी जो हम मिलती रहे। मिलते हैं एक और